शालिनी मल्होत्रा पूछ रही है, हेलो सर, आप कहते हैं सब परमात्मा की मर्जी से होता है। मैं अपनी मदर को कोविड में ध्यान नहीं रख पाई और बाद में हॉस्पिटल में उनकी डेथ हो गई। मुझे गिल्ट होता है कि मेरी वजह से हुआ है। ओके, तो शालिनी जी, मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप मुझे बताइए कि क्या सच में आप उनकी केयर करना चाहते थे या नहीं चाहते थे? अगर आप यहाँ पर बोल नहीं सकते क्योंकि आप कमेंट के माध्यम से बता रहे हो, तो लेकिन मैं इतना जरूर समझ सकता हूँ कि आप जरूर उनकी मदद करना चाहते होंगे, लेकिन किसी ना किसी वजह से आप नहीं कर पाए। ये आपका दुख होगा कि अगर मैं उनके साथ में होती या डॉक्टर को उनके साथ में लेके जाती तो ऐसा होता या वैसा होता, तो ऐसा आप सोच सकते हो। लेकिन थिंग इज दैट कि उस समय जब वो कोविड से पीड़ित थी, बीमार थी, उस समय आपका थॉट प्रोसेस क्या था, ये ज्यादा मैटर करता है, ना कि ये मैटर करता है कि आप उनके पास में थी नहीं थी। क्योंकि एंड ऑफ द डे हमें सबको भी पता है, आपको भी अपनी बॉडी को छोड़ना है, मुझे भी अपनी बॉडी को छोड़ना है, तो हम सबको तो ये बॉडी छोड़नी ही है। लेकिन हमारे कार्मिक अकाउंट क्या है, हम क्या किसी के बारे में गलत सोच रहे थे? क्या मैं अपनी मम्मी को जबरदस्ती मरवाना चाहती थी? इस तरह से आप अगर अपने आप में रियलाइज करोगे, क्योंकि आपने अगर जिस हॉस्पिटल में भी वो थी तो आप यही तो चाहते थे कि वहां पर प्रॉपरली ट्रीटमेंट होकर फिर से रिकवर करके घर पर आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। बट स्टिल मैं ये समझ सकता हूँ कि आपका जो विवेक उस समय काम कर रहा होगा, जो दिमाग काम कर रहा होगा, वो यही सोच रहे होंगे कि किसी भी तरह से मैं उनकी मदद करूँ और उनके साथ रहूँ। लेकिन कोविड के बहुत सारे ऐसे रिस्ट्रिक्शन थे जो हम उनके पास भी नहीं जा सकते थे, अगर आप सही हो तो उसके हिसाब से। लेकिन आप उस समय स्पेसिफिकली क्या सोच रहे होंगे वो ज्यादा मैटर करता है। अगर आप उनको मारने की बात सोच रहे होंगे कि किसी भी तरह से मेरी मम्मी का पीछा छूट जाए, यहाँ से चले जाए, तो ऑब्वियस सी बात है आपको गिल्ट करना चाहिए। लेकिन आपका थॉट प्रोसेस अगर ये होगा कि नहीं, उन फिर से रिकवर कर जाएं और घर अच्छे से आ जाएं, तो ऑब्वियस सी बात है आपको गिल्ट होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मरते हुए को कोई रोक नहीं सकता, जिसकी सांसें कम हैं और जिसको जाना पड़ेगा उसको जाना ही पड़ेगा। तो मैं कहना चाहूंगा कि आप बिल्कुल भी गिल्ट में मत रहिए। उसके बाद में भी आपने कुछ लिखा है, क्या ये भी परमात्मा ने लिखा है कि मैं अपनी मदर की गुनहगार बन जाऊं? मैंने अभी बता दिया आपको कि आप गुनहगार नहीं हो, सिर्फ ये आपको ऐसा लगता है कि आप गुनहगार हो। राजीव प्रसाद पूछ रहे हैं, पितृ पक्ष में भगवत गीता के सवत अध्याय के पाठ करने से क्या सच में पितर परेशान होते हैं? पितर किसे कहते हैं? देखिए, पितर आप किसी भी चीज का पाठ करो, थिंग इज दैट कि मैटर ये करता है कि आपके मुंह से या आपके द्वारा वो वाइब्रेशंस कैसे निकलती हैं। अगर वाइब्रेशंस अच्छी निकलेंगी तो उनको अच्छा लगेगा, अगर वाइब्रेशंस गलत निकलेंगी तो उनको बुरा लगेगा। अगर आप उनको सेंटर मान के चल रहे हो, पितर किसे कहते हैं वो भी मैं बताता हूँ। पितर वो होते हैं जो आपके परिजन के, आपके दादा दादी हों या कोई भी पेरेंट्स हों जो आपको आपसे पहले छोड़ के चले गए, आपके सगे संबंधित जो इस दुनिया में नहीं है उनको बोलते हैं। लेकिन जैसे मैं पहले हर बार बताता रहता हूँ, राजीव जी इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, ये जरूरी नहीं है कि आपके पितर स्टिल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाके निवास कर रहे हों। जैसे आज आप यहाँ पर हो और भी अपने दूसरा जन्म लेके किसी के घर पर होंगे, तो ये सारी चीजें कुछ लोगों का बिजनेस चलाती हैं कि पितर नाराज हो जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। आपको इसमें नहीं फंसना है, बल्कि अगर आप बात ही कर रहे हो कि अगर किसी चीज का अध्ययन करते हैं या किसी चीज का पाठ पढ़ते हैं तो उससे अगर उनको दिक्कत होगी, तो बस पॉजिटिव सोचिए, पढ़ कुछ भी लीजिए, अगर उनको सेंटर मान के, उनको याद करके, उनको ध्यान में रख के बात करते हो तो बस पॉजिटिव वाइब्रेशंस बनाइए, बाकी कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस संसार में ऐसी बहुत सारी भ्रमित करने वाली चीजें हैं जो आपको भ्रमित करेंगे, आपको डराएंगी, ताकि आपसे लोगों का बिजनेस चल सके। क्योंकि जो मोस्ट ऑफ द रिलीजन है वो इसी तरह से हमें भ्रमित करते हैं, और भ्रमित करने के साथ साथ में हमें डराते हैं ताकि आप उनके हिसाब से नाचना शुरू कर दो। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आप जो करना चाह रहे हो दिल खोल के कीजिए, बट उसमें एक चीज ये देख लीजिए कि आप कितने खुश हो, आपकी वाइब्रेशंस किस तरह की बन रही हैं, बाकी चिंता मत कीजिए।